वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। इनमें खजुराहो वाया बांदा कानपुर पैसेंजर का संचालन भी बंद हो गया था। इस ट्रेन के बंद हो जाने से कानपुर, महोबा और खजुराहो का सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब रेलवे ने इस ट्रेन के संचालन का फिर निर्णय लिया है और यह ट्रेन 2 मई से रेलवे ट्रैक पर नजर आएगी। आपको बता दें, बुंदेलखंड न्यूज की ही खबर का असर है जिसे रेलवे द्वारा अब इस ट्रेन को हरी झंडी दे दी गई है। और भी हम आपके लिए इसी तरह प्रयासरत रहेंगे ताकि बुंदेलखंड के यात्रियों को और ट्रेनों की सुविधा मिल सके। वैसे यह पैसेंजर ट्रेन कानपुर सेंट्रल से पहले की तरह शाम को 4:20 पर रवाना होगी और गोविंदपुरी, भीमसेन, सीढ़ी टारा, कठारा रोड, पतारा, घाटमपुर, डोहरू, हमीरपुर रोड, दबसौरा, यमुना साउथ बैंक, भरुआ सुमेरपुर, इंगोहटा, रागौल, अकोना, इचौली, खैरार जंक्शन होते हुए बांदा में रात लगभग 8 पहुंचेगी और यहां से रवाना होकर खैरार जंक्शन, मटौंद, कबरई, बारीपुरा, महोबा होते हुए चित्रौली, रगौली, सिंहपुर, राजनगर होते हुए रात में 11 खजुराहो पहुंचेगी। अगले दिन यही ट्रेन सुबह 4:05 पर खजुराहो से रवाना होगी और इसी रूट से वापस कानपुर जाएगी। बांदा में यह ट्रेन सुबह 6:45 पर आएगी और यहां से 7:05 पर रवाना होगी। यह ट्रेन लगभग 11 कानपुर पहुंचाएगी। स्टेशन मास्टर बांदा श्रीकृष्ण कुशवाहा ने बताया कि यह ट्रेन पूर्व की भांति अपने निर्धारित समय पर 2 मई से चलेगी। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों को बहुत राहत मिलेगी। तो अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी और जानकारी हो जाए।